हाय फ्रेंड्स, शाम को 8:30 बजे हैं और रानी अथर्व जा रहे हैं अपनी ट्रेन में। जी हाँ, इनका ट्रेन का टाइम है और ये लोग जा रहे हैं ट्रेन से मेरठ की तरफ। मेरठ में इनकी दीदी की शादी है, इंगेजमेंट है। तो ये लोग जा रहे थे और ये रात में आप देख रहे होंगे अंधेरे में, ये क्या है? जी हाँ, ये डिलीवरी बॉय है जो कि रानिया का बैंड लेकर आ गया है। लास्ट मोमेंट में यार निकलते हुए ही ले आया, कितना अच्छा लगा, जो कि रानिया को अपनी ड्रेस के साथ पहनना था तो बहुत दिल को सुकून मिला। चलो इसका बैंड आ गया। फिर सभी ट्रेन में बैठ गए और हम लोग जा रहे थे ट्रेन से स्टेशन की तरफ। यहाँ से 1 आवर का टाइम लगा था पहुँचने में, बहुत ही ट्रैफिक था रास्ते में। और अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर कानपुर सेंट्रल में। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ सी नहीं है यहाँ पे, वो अंदर की तरफ होगी प्लेटफॉर्म पे। हमारा सामान लेके कुली भैया लोग जा रहे हैं, हम लोग बैठेंगे ट्रेन में। फिर स्टेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद हम प्लेटफॉर्म पे अभी वेट करेंगे बैठकर, क्योंकि अभी ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो रानिया देख रही हैं कहाँ से ट्रेन आ रही है, कहाँ से ट्रेन जा रही है, उसे ट्रेन देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे स्टेशन पर देख रहे थे। और अब तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी गाड़ियाँ भी चलने लगी हैं, जिससे ये बहुत बड़ा स्टेशन है ना, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। तो इन गाड़ियों से हम बहुत जल्दी ही हम पहुँच सकते हैं और इनका ज़्यादा चार्ज भी नहीं होता है। इसके बाद रानिया और अथर्व जा रहे हैं स्टेशन एक्सप्लोर करने, देखने कहाँ टिकट होते हैं, कहाँ पर क्या मिलता है, गाड़ी का कितना चार्ज है, ये सब चीज़ें ये लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म पर। स्टेशन पे जब तक ये आवाज़ नहीं सुनाई देती ना, न्यू दिल्ली से चलकर लखनऊ जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक, तब तक पता ही नहीं चलता है कि हम प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, हम स्टेशन आए हुए हैं, है ना। जब यह अनाउंसमेंट होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि हाँ हम स्टेशन पे बैठे हुए हैं। और ये अपना मस्ती करती रही बहुत देर तक, सब बोर हो रहे थे, लेकिन रानिया कहीं भी बोर नहीं होती हैं, उसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए। तो अपना डांस ही सही, अपना म्यूज़िक ही सही, बस अपने ही मस्ती में वो मगन रहती है। ये देखिए अपना सर हिला हिला के इंजॉय कर रही है। ऐसे ट्रेन आ चुकी है, इसलिए हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन के पास, जो कि बहुत दूर है, अभी बहुत पीछे हमारा कोच है। स्टेशन पे ये बुक्स का शॉप देख के ना मुझे अपने ही बचपन की याद आ गई, जब मैं चंपक, नंदन, फिर सुमन, सौरभ, ये कॉमिक्स, ये बुक्स जरूर लेती थी मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था ट्रेन में पढ़ते हुए जाना, लेकिन आजकल मोबाइल हो गए हैं तो सारा काम ख़त्म हो गया है बुक्स का। और ये अब आई हमारी ट्रेन, बहुत फास्ट फास्ट जा रहे थे रानिया और अथर्व, और ये हम पहुंच गए अपने कोच की तरफ। पूरी भैया लोगों ने हमारा सामान भी आराम से पहुँचा दिया, तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मतलब ज़्यादा सामान था, बहुत मेहनत करते हैं, खैर इन लोग का वर्क भी बहुत होता है। तो रानिया को पता चला कि कुली भैया भी होते हैं जो सामान ले जाते हैं, उसे सब कुछ दिखाया और बताया। अब रानिया और अथर्व जा रहे हैं अपनी सीट पे, और ये देखिए जैसे ही पहुंची रानिया को बस लेटना था, उसको बहुत मज़ा आया ट्रेन के अंदर, और उसने इतना एंजॉय किया कि वो कह रही है नेक्स्ट टाइम भी मैं ट्रेन से ही आऊँगी। फ्रेंड्स, पहली बार ट्रेन में बैठने पर रानिया कह रही थी ट्रेन तो एरोप्लेन से भी अच्छी है, उसे बहुत मज़ा आया। गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।